नमस्कार एन यू वॉचिंगप्टर वी बैक अगेन टुडे वी आर गोइंग टू वन ऑफ़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बिकॉज दे बीन इनटू द बिजनेस फॉर मोर देन 14 इयर्स फॉर 14 इयर्स दे हैव बीन मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑल काइंड ऑफ होम फर्नीचर यूनट्स दे आर अवेलेबल फॉर बी टू बी यानी कि बिज़नेस टू बिजनेस और उनके फर्नीचर यूनिट्स कई सारे शहर में ऑलरेडी डेलेबल होते हैं नाउ दे आर अवेलेबल फॉर बी टू सी यानी कि आप एक सिंगल यूनिट भी अपने घर के लिए डिज़ाइन करा सकते हैं मंगवा सकते हैं

क्लैप्ट फैमिली मेम्बर्स आपसे पहली बार इंट्रोड्यूस uh, हो रहे हैं तो एक बार उनको लेके चलते हैं वापस मेमोरी लेंस की तरफ उनको बताते हैं आपका बैकग्राउंड नेम ऑफ द कंपनी क्या आपका बैकग्राउंड रहा और अभी हम क्या स्टेटस है हमारा सर एक्चुअली में हमारा बारह साल से मैनुफैक्चरिंग यूनिट है जी हम होम फर्नीचर बनाते हैं ओके oh, okay. और बी टू बी करते थे बारह साल से जी ऑल ओवर इंडिया हमारे प्रोडक्ट जाते थे ठीक है बट हमने अब एक लग्जरी स्टोर बनाया है स्टूडियो बोल दो आप स्टोर बोल दो जी तो इसमें हमने एक तो नई नई डिजाइन और नए नए मॉडल्स लाए हैं ठीक है ताकि हम क्लाइंट से जुड़ बी टू से बी टू बी से बी टू सी की तरफ जा सके और राइट बस अभी भी हम बी टू बी कर रहे हैं हाँ बी टू बी साथ में सर ठीक है अगर हम कर रहे हैं आपका एक और बहुत डिफरेंट uh, एंगल uh, है आपके कंपनी का वो है डिजाइनिंग द स्पेस यस वो क्या है और क्या, क्या क्या किस लेवल पे हम लोग इंटीरियर डिजाइनिंग काम करते हैं हमार, हमारा जो काम है इंटीरियर डिजाइनिंग का भी काम है हम इंटीरियर डिजाइनिंग भी करते हैं होम इंटीरियर्स और प्लस हमने अपने एक डिजाइनर टीम रखी हुई है जी जो हमारे प्रोडक्ट बनाते हैं डिजाइन करते हैं की बात करें तो आपके पास बोर्ड ऑफ ऑन बोर्ड बट दे वॉन्ट टू फर्चर टू बी एक्टेड विद्प ऑफ फर्चर बिकॉज अभी ट्रेंड है मार्केट में बहुत सारे बिल्डर्स हैं अच्छा फ्लैट बना के एंड देर आर पीपल लुकिंग आउट फॉर फर्नीचर मैनुफेक्चर हो कुछ भी हुँ. अलग से अलग डिजाइन हम बनाते हैं ठीक है ओके राहुल सो एस्थेटिकली हम देखेंगे yes, क्योंकि sir. आप डिजाइनर भी हैं खुद

Uh, जो आपने कहा उसको हम रिपीट करते हैं सिंपल सिंपलीफाई करके फॉर द पीपल वाचिंग दिस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स वेयर इंग्लिश इज हिंदी इज नॉट नॉ स्पोकन लैंग्वेज वी गॉट टू लर्न दैट दट दिसको इज वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल हु हैव दीपल स्पेस अवेलेबल विद देम दे जनरली यूज इट फॉर द ड्रॉइंग रूम एंड लिविंग रूम बोथ बोस अपेरेंटली इट हैज टू बी इन द डार्कर टोन बिकॉज इट्स इजी टू मेंटेन बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजर्स इज हायर बिकॉज पीपल फ्रीक्वेंटलीटिंग बन जाता है ये सिक्स एंड चलिए well. भी बताएंगे हम? ये yes, सर का पूरा yes. okay. <laughs> I mean, आप मेरे face के एक्सप्रेशन देख रहे हैं कि कैसे थे वो expression? <laughs> वो <happy नहीं। laughs> वो खुशी के एक्सप्रेशन थे वो yes. so, अब भाई की बात कर लेते yes, हैं कि फिनिश कितनी इंपॉर्टेंट है और आप क्या ध्यान रखते हैं सर बेसिकली हर एक चीज हर एक पार्ट

एंटिक टच अच्छा क्लासिक प्लस प्लस क्लासिक टच्च ये वुडन टच भी दिया है हमने इसमें गोल्डन टच भी दिया है hmm. और लुक वाइज भी मॉडर्न बनाया जो आजकल लेटेस्ट में चल रहे हैं ठीक है ओके yes. okay. ये हाइड्रोलिक के साथ में लेमिनेशन के साथ में क्या क्या इसके फीचर्स हैं हाइड्रोलिक लेमिनेशन जो भी चाहिए इसमें कस्टमाइज हो जाएगा अभी hmm. विदाउट हाइड्रोलिक है विदाउट लेमिनेशन है अभी ये सिंपली पॉलिश है hmm. अगर आपको इसके अलावा लेमिनेशन चाहिए हाइड्रोलिक चाहिए वो एड ऑन हो जाते हैं इसमें चलिए हमने बोला था, था हमने कहा था।, था।, था कि हम आपसे बात करेंगे तो आज हमारा फोकस जो रहेगा वो मेनली हमारा फोकस रहेगा एस्थेटिक्स को लेके यस सर तो आप क्या समझते हैं कि ये हेडबोर्ड का साइज कलर्स कैसे सेलेक्ट करना चाहिए किसी को सर जैसे आप सपोज करो आपका रूम छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग हम मर्ज कर सकते हैं वो वॉल के साथ ताकि ना बहुत ज्यादा बहुत दिखाई ना दिखे ठीक है और जैसे आपका रूम बहुत बड़ा है बेडरूम आपका बहुत बड़ा है उसके अकॉर्डिंग जैसे आपकी लाइट वॉल है डार्क कॉम्बिनेशन डार्क वॉल है तो लाइट कॉम्बिनेशन आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो लाइट के साथ डार्क डार्क के साथ लाइट राइट आपने बिल्कुल ठीक बोला क्योंकि सबसे बड़ा यूनिट होता है बेडरूम का यह सबसे ज्यादा फोकस इसके ऊपर होता है अब दो तीन टेक्निकल चीजें और ये किंग साइज बेड है इसको हाइड्रोलिक करेंगे और इसमें साथ में लेमिनेट करेंगे तो प्राइस वेरी हो जाएगा वैसे इसका प्राइस क्या है वैसे सर इसका प्राइस है फोर्टी थाउजेंड ओके yes, okay. आपको लगता है कि प्राइस में क्वालिटी वाइज सबसे कम रेंज हमने रखी है hmm. ताकि हम क्लाइंट को होल ऑलमोस्ट होलसेल प्राइस पे सेल कर सके चलिए लेट्स गो द अभी क्या दिखाएंगे डाइनिंग टेबल्स या प्लीज कम यस सर ये इटालियन डाइनिंग है hmm. ये नया कॉन्सेप्ट हमने रखा है जी रिवॉल्विंग चेयर्स के साथ अच्छा आपकी ये रिवॉल्विंग चेयर्स है हम्म ऑटोमेटिक रिवॉल्विंग सिस्टम है इसमें अच्छा आप किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव करो वापस उसी डायरेक्शन में आ जाती है ठीक है हाँ काफी जगह इजी टू मेंटेन है ओके माइक्रो फाइ इसलिए होता है ताकि आप वापस पोजीशनिंग करने के लिए ताकि आपका अरेंजमेंट yes, जो है वो खराब ना हो जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है एक जगह सेट की उसी को मूव करके आप बैठो और छोड़ दो चलिए ये इम्पोर्टेंट यूनिट है यस इसका बेस जो है वो इटालियन डिजाइन का है पूरा वर्ल्ड इज इटालियन यस यस सर क्या प्राइस है इसका यस सर नाइनटी चलिए ठीक है ये कॉन्सेप्ट नया है बहुत अच्छे रेंज में आई है चलिए लेट्स गो फर्दर एंड नेक्स्ट अब क्या देखेंगे सर एक हमारा ये डिजाइन है कोकोनट फिनिश में ठीक है।, है ये मतलब जो मॉडल है बहुत अच्छा है अच्छे से डिजाइन करता है ये हैंडमेड मॉडल है जी ये मदर ऑफ पर्ल्स के एक एक पीस को जॉइंट करके पॉलिस्टर कोटिंग में है ठीक है लुक दिया गया है डन ओके डिजाइन पैटर्न्स के स्थेटिक्स बहुत लूज हो रहे हैं फिर से वापस हम आपको वापस लेके आते हैं क्योंकि ये जो डिजाइन एंड पैटर्न है ये ट्रेडिशनल है क्लासिकल न्यू क्लासिकल में ज्यादा जाता है ये मॉडर्न कॉन्टेप्रेरी में कम जाता है जी 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 क्योंकि आप देखें तो मोन्यूमेंट्स पर आर्ट आपको दिख जाएगी इंडिया के जितने भी टॉप मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर अरेबिक आर्ट है मोरक्कन आर्ट है उसमें आपको इस तरह के डिजाइन अक्सर दिख जाएंगे इसलिए मॉडर्न कॉन्टेप्रेरी होम के लिए नहीं है ये एक्चुअली थोड़ा सा क्लासिकल सेमी क्लासिकल के लिए राइट चलिए क्या प्राइस है इसका और क्या इसका बेस वन फिफ्टी का सेट है ठीक है वुडन बेस के साथ है और माइक्रोफाइबर लेदर में अगेन चेयर्स है, है ताकि इजी मेंटेन हो और बाकी क्वालिटी वाइज बहुत अपर है ओके इंपोर्टेड चेयर्स हैं यस और नहीं ये इंडियन है सर चेयर्स इंडियन है यस सर ओके डन चलिए बहुत सारे दिमाग में हमारे सवाल आते हैं लेकिन जी हम, जी हम आगे पूछेंगे डाइनिंग को लेके लेकिन अगला देखते हैं अभी हम बताइए ये क्या है ये सब किस्टल अच्छा, है। है। उसके साथ हमने कॉम्बो बनाया पॉलिस्टर चेस का जी बेस में हमने बेसिकली एसएस और वुडन टच दिया है कि मॉडर्न लुक भी हो क्लासिकल लुक भी हो ठीक है पूरा कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा बनाया है इसके साथ चलिए ये काफी सुपर हिट डिजाइन है यस सर एक बहुत फेमस रिजीनल डिजाइन है उसी का डिजाइन है जी ठीक है और ये, ये अल्ट्रा लग्जरी होम में जाता है यस सर अल्ट्रा लग्जरी होम में बहुत अच्छा चलता है अगेन इटालियन मार्बल विथ चेयर्स सॉलिड वुड चेयर्स ठीक है ये भी इंडियन चेयर्स है अपनी चेयर्स की क्वालिटी और लुक बहुत प्रीमियम है जी आप इनकी डिजाइन देख सकते हो बेस अगेन हमने वुडन का बनाया का बेस है, हाँ। है। सॉलिड दिखा दें yes, अच्छा, अरे ये क्या वुड में है? Yes, अच्छा, है ये सर yes, ठीक है डन बेस भी इम्पोर्टेड है टॉप भी एस्थेटिक्स की बात आएगी अभी ये टिपिकल इटालियन डिजाइन है ऊपर और ये जो प्रिंट है ऊपर इसके वो

चलिए लेट्स गो टूर अदर साइड नाउ एक्सपीरियंस सेंटर आजकल बहुत ट्रेंड में है मतलब सब लोग एक्सपीरियंस सेंटर बनाते हैं यस yes, सर आपने भी एक्सपीरियंस सेंटर बनाया yes, वैसे हमारा मॉडल्स ऑपरेंडी क्या है किस तरह से हम डील करते हैं सर एक्सपीरियंस सेंटर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि डिजाइन और फिनिशिंग के लिए जी बाकी और ऑप्शन हमारे पास सौ से भी ज़्यादा ऑप्शन है कैटलॉग्स है अच्छा की कोई भी डिजाइन हम दिखा सके क्लाइंट को कोई भी डिजाइन चाहिए वो हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं ठीक है अपनी भी देते हैं उनकी भी कोई भी डिजाइन हम कस्टमाइज कर देते हैं अच्छा है। चलिए अब हम कुछ और देखते हैं हाँ जी ये बेड देखते हैं हाँ। ये भी अगेन आपका स्वेट लेदर में बना हुआ है एलिगेंट लुक है जी इसको हमने इटालियन टच फिनिश देने की कोशिश की है पूरी लुक वाइज प्रॉपर इटालियन बनाया है ठीक इम्पोर्टेड टच है फिनिशिंग आप देखो एवन फिनिशिंग के साथ विद पीयू पॉलिश साइड टेबल्स हो राइट। ठीक है डन ये क्या प्राइस रेंज में ये yes, सर आपका थर्टी एट थाउजेंड विस्थ साइड टेबल चलिए ठीक है यू अ रीजन टू स्माइल आप हंस सकते हैं कोई बात नहीं ओके प्लीज कम फॉर द अभी देखें विजनर का एक और डिजाइन है यहाँ पे यस सर जी

चलिए ये प्रॉपर आप डिजाइन देख सकते हो प्रॉपर राउंड शेप में दिया है इसको क्या फैब्रिक है इसमें जो होम्स होते हैं उनमें है ना उन ठीक है डन और ये टेबल का है? हाँ, ये में बनी हुई है डन हमारे कुछ शो स्टॉपर्स है जो हमारा वेट कर रहे हैं उनकी भी ब्रीफिंग हम देंगे आप हमें बताते जाए और क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे आप ये सोफा स्वेट लेदर अच्छा। सर इसीलिए क्योंकि इजी टू मेंटेन होता है लुक लाइक लेदर होता है जी। आप इजी क्लीन कर सकते हो इसको आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती आपके कुछ फेबरिक्स में ये प्रॉब्लम्स होती है कुछ दाग लग गया या कुछ भी हो गया इन में ये चीज़ को प्रॉब्लम नहीं होती, इजी मेंटेन करो आप। अगेन डिजाइन कोशिश कर रहे हैं है, वो कैप्चर कर सके और साथ में आपसे भी पूछ सके कि कि जैसे आपने बताया ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन ब्रिटिश क्लासिक स्टाइल का है और जो फैब्रिक है वो इजी टू मेंटेन है एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी कि लेदर एंड लेदराइट ओरिजिनल लेदर लेदराइट लेदर एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा है लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो उसकी कॉस्ट में क्या वेरिएशन आते हैं सर बेसिकली दोनों कॉन्सेप्ट सेम लगते हैं इसलिए हम लोग डिफरेंस पता नहीं कर सकते जैसे आपके ही वीडियो में मैंने देखा था अभी जी किसी ने बताया था कि इलेवन पर सीट प्योर लेदर का सोफा है जी बट लोग जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि जो

तीन मीटर चार हाँ, मीटर लग जाता वो है। पॉसिबल ही नहीं है कि सर हम उसको पर पर सीट में में। कन्वर्ट कर सके। बिल्कुल, उस प्राइस रेंज बोलने के लिए सर बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम हम जो करते हम सीधा ऑप्शन रख के चलते क्लियर मेक इट क्लियर ठीक है यस सर, ये सर आपका ऑलमोस्ट फोर टू फाइव हंड्रेड पर मीटर है

ठीक है सेम फेबरिक का टच दिया हुआ है चलिए लेट्स गो फर्दर नाउ अगला आगे चलते हैं अभी एक ऑलमोस्ट शो स्टॉपर की बारी आने वाली है हाँ फेवरेट है है वो हमारा ओके लेट्स टॉक अबाउट दिस वन नाउ ये किस सेगमेंट में आता है? सर ये पोलिस्टर मॉडर्न टच में आता है क्लासिक मॉडर्न टच बोल सकते हैं क्योंकि वुडन टच बहुत पहले चलता था अब लोग पोलिस्टर टच में ज्यादा बिलीव करते हैं ठीक है लुक वाइज बहुत प्रीमियम टच आता है इसका और आपकी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा आता है चलिए ये भी लग्जरी होम्स के लिए है मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी होम्स के लिए थोड़े से कर्व्स हैं तो मेरे ख्याल से न्यू क्लासिकल में भी हाँ, आप इसको कहीं कहीं डाल सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल ओके माप ये विनियर्स है ना इसके आसपास हाँ पॉलेस्टर? ये मापा प्लाई के ऊपर पॉलिस्टर टच देते हैं हम लोग ठीक है डन ये क्या प्राइस रेंज में ये सर आपका थर्टीन पर सीट थर्टीन थाउजेंड पर सीट यस सर चलिए ठीक है और सेंटर टेबल ये सेंटर टेबल हमने कुछ नया निकाला है न्यू डिजाइन क्योंकि पॉलिस्टर टेबल सिंपल बहुत चलती है हो। अच्छा? ये सेंटर आपकी का सेट है थाउजेंड चलिए ये, ये हमने डिस्प्ले के लिए बनाया कि किसी क्लाइंट का है नहीं नहीं हमने डिस्प्ले के लिए बनाया हमें अच्छी लगी तो हमने एक रखा हुआ है प्लीज वो बोले बताए सर एक ये मॉडल है हमारा ठीक है क्लासिक टच में चेस्टल चेस्टर डिजाइन का इसमें पहले बहुत कॉन्सेप्ट चलते थे सिंपल चेस्टर डिजाइन अच्छा मीन हमने मॉडर्न क्लासिक टच फिनिश दी है हुँ, हुँ, मतलब आपका सीट पे पूरा चेस्टर बैक आपकी क्लासिक ठीक है यस सर, तो मतलब स्ट्रेट लाइन प्लस चेस्टर दोनों में, सर, modern modern दोनों, modern में सकते, दोनों में थोड़ा सा लो है ना ये हाँ सर

टेबल आपकी थर्टी फाइव थाउजेंड की चलिए yes, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आपसे बात करेंगे और ये जो आपसे डिस्कशन हम शुरू कर रहे हैं बेसिकली yes, वो मेरे ख्याल से काफी लोगों को नॉलेज गेन कराएगा यस yes, सर कि जब भी आप अपने घर के लिए डाइनिंग खरीद रहे हैं तो प्रॉपर मेजरमेंट लें yes, क्योंकि जितना बड़ा डाइनिंग टेबल यहाँ होता है उससे बड़ा आपके घर में होता है yes, क्योंकि आप चेयर को ड्रैग करते हैं यस yes, सर दूसरा जब भी आप बेड परचेज करें प्लीज कम फॉर द जब भी बेड परचेज करें तो अभी प्रॉपर मेजरमेंट लें कॉर्नर में रखे हुए बेड्स कभी भी अच्छे दिखाई नहीं देते सही जो लार्जेस्ट सबसे घर की जो बेडरूम की सबसे बड़ी वॉल होती है उसके हिसाब से आप यहाँ हेडबोर्ड चूज करें अगर बेडरूम बहुत छोटा है तो जो हेडबोर्ड है वो बहुत बड़े ना लें वो खराब दिखते हैं कलर्स भी उनके ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट ना लें सेम कलर में ले लें क्योंकि आपका जो यूनिट है वो आपकी दीवार में मर्ज हो जाएगा तो दिखेगा नहीं कि आपका बेड सामने पड़ा हुआ है यस सर अगर आपके पास स्पेस बहुत है फिर तो आप कुछ भी करिए हाँ, फिर तो, 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 तो आप बना फिर तो आप क्रिकेट खेल सकते हो बेडरूम <laughs> <में। laughs> राइट ठीक है साइड टेबल भी जबरदस्ती मत अगर जरूरत है तो ही साइड टेबल लीजिए आपके अकॉर्डिंग स्पेस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो चलिए ठीक है अपनी थीम को फॉलो करिए मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी होम से सारे घर यहाँ पे मिलेंगे अपने शो स्टॉपर की तरफ जा रहे हैं क्विकली आप मुझे बता दें ये भी बहुत पॉपुलर डिजाइन है ये सर बहुत प्यारा मॉडल है ये विथ एस एस फ्रेम में पीवीडी कोटिंग के साथ जी ये डिजाइन आपका बहुत पॉपुलर है बहुत चलता है ये डिजाइन हाँ, हमारा बेस्ट सेल बेस्ट सेलर मॉडल है ये ठीक है हाँ इसकी बेसिक चीजें हैं कि आपका फ्रेमिंग कॉन्सेप्ट स्लीक मॉडल में एक लग्जरी टच देता है ये ठीक बात है यस सर डन और सोफ़ास uh, के भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं yes, कि ओवरलैपिंग ना हो के ऊपर से दोनों के बीच में गैप हो फर्नीचर यूनिट थोड़ा वॉल से दूर रखिए तो घर आपका बड़ा दिखाई देगा सेंटर टेबल एक्सेसिबल हो हमेशा सेट ऑफ टू अच्छा नहीं दिखता नया कॉन्सेप्ट के साथ अच्छा आपका शेप पूरा आपका हमने बिल्कुल एक्चुअल जैसा शेप yes है ना ओवल शेप है यस सर यस सर ये क्या प्राइस रेंज में ये आपका 58000 का okay. 5/3 का साइज है इसका चलिए और सोफा सोफा आपका 15000 पर सीट 15000 पर सीट ओके बेसिक इसमें या प्लीज बेसिक चीज है इसमें ये इसकी कॉस्ट इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें जो एसएस के फ्रेम है वो इंडियन है हम्म एसएस 304 में विद पीवीडी कोटिंग है ठीक है मतलब तो, एक सॉलिड बैंड है ये यस yes. मतलब पट्टी नहीं yes, है छोटी यस सर ये पाइप नहीं है पूरा एसएस की फ्रेमिंग है टोटल क्या करते लोग बहुत सारे चीजें पाइप में दे देते हैं अच्छी आ तो चुका हैवी में? लगता है हाँ अच्छा हैवी लगता है देखने में बट वो बैंड हो जाता है ठीक है ये आपकी सेवन टू एट केजी की पूरा फ्रेमिंग है हुँ. आप इसमें कितना भी वेट डाल दो ये बैंड नहीं होती चलिए ठीक है Done. तो सोफा परचेज करते समय एक दो चीजें और ध्यान रखना होगा कि 360 डिग्री देख लीजिए लीजिये yes, अगर आपका सोफा पीछे से भी एक्स, एक्सपोज होने वाला है तो वैसे सोफाज लेने चाहिए जो बैक साइड से भी अच्छी मूविंग फर्दर नाउ अभी हम कुछ देखेंगे यहाँ पे टेन कलर ये इम्पोर्ट है नहीं सर ये भी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है अच्छा? बेड है हमने इसको लग्जरी इटालियन लुक दिया है प्रॉपर डार्क टेन कलर यस सर नाइस हमारे पास कितने कलर्स अवेलेबल हैं इसमें हमारे पास सर आपके मोर देन हंड्रेड कलर अवेलेबल है ठीक है ये माइक्रो फाइवर लेदर में यस सर क्या प्राइस है ये आपका साइड टेबल चलिए लेट्स चेक आउट दिस दिस वन इज रिक्लाइनर रॉकिंग प्लस रिक्लाइनर अच्छा ये कॉन्सेप्ट है ऑटोमेटिक रिक्लाइनर है इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट चाहिए टू सीटर फोर सीटर जो भी चाहिए वो भी बन जाएगा आपका ओके ये भी हमारी इन हाउस है चलिए ठीक है ये क्या रेंज में? Yes, sir, 28, बट मॉडर्न हमने पहले डिजाइन किया था ये एक्चुअली में ये कवाली का मॉडल था बेसिकली hmm. इम्पोर्टेड था hmm. हमने इंडियन बनाया इसको अच्छा ये जो स्टिचिंग है प्रॉपर hmm. हमने हैंड तो ये मशीन से नहीं हो सकती हैंड से होती है अब लुक वाइज बहुत है इसको लाउंज एंड लॉबी दोनों में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो ठीक है लुक वाइज भी बहुत यूज है और जिसको हैवी टच में सोफे पसंद है वो दिखा सकते हैं इसको रख सकते हैं अपने पास बिल्कुल ठीक बात है यस सर ये फैब्रिक कौन सा है जिसमें थोड़ा टेक्सचर लेदर स्वाइड है लेदर स्वाइड अगेन इसीलिए इजी टू मेंटेन होता है जी। आप इसको आराम से क्लीन कर सकते हो लुक वाइज प्रॉपर लेदर लुक देता है hmm. जितने भी सोफे होते हैं हैवी लुक लेदर में ही आता है अच्छा हाँ या तो इसको कॉन्सेप्ट हम बना सकते हैं माइक्रोफाइबर लेदर का भी hmm. बट जो फिनिशिंग स्वेड लेदर में आती है वो माइक्रोफाइबर लेदर में नहीं आ सकती ठीक है हाँ तो इसलिए हम लोग ज्यादातर ट्राई करते हैं स्वेड लेदर में बनाने का

बट वो फिनिश और वो क्वालिटी का बहुत इसमें है चलिए इसके अंदर क्या फिल फिल किया हुआ है ये पॉलीफिल है वर्जन की रिलायंस वर्जन की पॉलीफिल होती है इसकी भी आपकी पूरी गारंटी के साथ होता है ये चलिए मूविंग ऑन टू द आवर फेवरेट नाउ ये हमारा स... अभी अभी फ्रेश अराइवल हाँ जी बताइए बुकले कलर बुकले में और ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है हमने बुकले में वुडन टच दिया है नेक्स्ट भी हम हमारे यूनिक है अच्छा बुकले में सर बेसिकली बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं बट जो ओरिजिनल बुकले है वो होता है इम्पोर्टेड बुकले इटालियन बुकले ठीक है ये प्रॉपर इटालियन बुकले है इसमें कलर्स भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे बहुत ही यूनिक डिजाइन है विद डबल बैक और लेग्स भी आपके प्रॉपर वुडन लेग्स है सागवान है। के डन बुकले के साथ जो है वो मेटल से अच्छा जो है वो जाता है यस सर ठीक है डबल बैक का परपज कम्फर्ट है कि डिजाइन है डिजाइन है सर सिंगल बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट लगता है hmm. इसको हमने थोड़ा यूनिक बनाया है hmm. ताकि यूज दिखे और लुक वाइज बहुत प्यारा है चलिए yes, बहुत अच्छा दिख रहा है हालांकि वाइट इज लिटिल हाई टू मेंटेन हमारे घर में तो वाइट ही है एंड वी आर एबल टू मैनेज सम हाउ सर, लेकिन कलर लोग जरूर देखना चाहेंगे इसके सर एक्चुअली में वाइट मेंटेन करना बहुत मुश्किल है बट हमने इसमें इसीलिए वाइट बनाया कि तो कि तो लुक वाइज बहुत प्यारा लगता है ठीक है लुक दिखता है कलर्स हमारे पास बहुत सारे हैं जैसे आप देख सकते हो टेन टू फिफ्टीन कलर्स है हमारे पास यार एक हाँ। बैक दिखा देते हैं क्लोजली कौन कौन से कलर हैं ब्लू के हमारे पास शेड है ग्रीन के हैं पीच के हैं ग्रे है और इसमें ब्लैक फेब्रिक साथ में है जी हाँ जी ओके बैक में टच आएगा हल्का सा ब्लैक

और जो इसके चैनल्स वगैरह है सब हैटिक के है, सब ग्लो चैनल्स ठीक है डन सी एक वन ऑफ द सैंपल्स है हमारा क्योंकि एक्सपीरियंस सेंटर में बहुत ज्यादा यूनिट नहीं रखते हैं हाँ, इसके लिए ये है हमने सिर्फ एक मॉडल फिनिशिंग डिजाइनिंग के रखा है कि जो आजकल डिजाइन चल रही है मार्केट में बहुत ज्यादा मिल नहीं रही मिलती भी है तो बहुत ज्यादा कॉस्ट के ऊपर मिलती है ठीक है हमने इसीलिए इसको बनाया कि मिनिमम कॉस्ट पे नई डिजाइन आपको दे सके ठीक है क्या प्राइस में है हाँ मतलब एक, एक ये का तो साइज है तो चीज की जरूरत नहीं हाँ जी सर हाँ? ये हा? बहुत ही अच्छा प्यारा सा मॉडल है क्लासिक मॉडल जिसको बोलते हैं जी क्लासिक एंड मॉडर्न रच कलर कॉम्बिनेशन भी आप देखोगे बिल्कुल यूनिक दिया हुआ है और मेन इम्पोर्टेंट है सर फिनिशिंग जी

ये था एक छोटा सा टूर राहुल के साथ में एक्सपीरियंस सेंटर क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अपेयर हुए हमने कोशिश की कि जितना हो सके आपसे एस्थेटिक्स के बारे में जान सकें थैंक यू वेरी मच यू हैव बीन अ ग्रेट सपोर्ट एंड दिस इज नॉट ऑल वी हैव अ लार्ज कलेक्शन ऑफ डिज़ाइंस अवेलेबल विद अस इन केस यू वॉन्ट टू और गेट योर फर्नीचर डिजाइंड एंड बिस्पोक डन बाय और क्यूरेटेड बाय फर्नीचर विलेज राहुल इज ऑलवेज देयर हिज नंबर इज बींग फ्लैश ऑन द स्क्रीन एंड Yes, right? yes, kind of kind of वारंटी होती है जी ऑल प्रोडक्ट में ठीक है आपका बेड हो सेंटर टेबल हो कैबिनेट यूनिट हो या आपके सोफाज हो ठीक है सोफा में बेसिक होती है फोन स्ट्रेक्चर <coughs> और फेबरिक की वारंटी ठीक है पूरा कवर्ड है Hmm. मतलब आपका कटने फटने के अलावा hmm. हर चीज हमारी है ठीक हाँ, है हाँ होम सर्विस अवेलेबल है आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है थ्री इयर्स की वारंटी है आपकी हर प्रोडक्ट की हमारे रिटर्न में ठीक है नहीं रिटर्न uh -huh. में हम आपको प्रॉपर देंगे चलिए फैमिली मेंबर्स प्लीज हेल्प इंडिया बिकॉज दिस इज द फ्लैगशिप स्टोर एंड यू आर यू आर कंपनी नाउ एज एन दू बी टू सी Because yes, you have been into B2B. Okay. So they should come forward and help you. Right? Thank, Thank you, you so very much. much. Thank you, sir.